जय हिंद साथियों, AS Academy की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है। इस 21 दिन में हमारी रणनीति कैसी होना चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के जो 21 दिन मिले हुए हैं, आपको घर में रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित तो रखना है, घर में रहना है, पर घर में हम क्या करें जिससे हमारे जो आने वाला भविष्य होगा वो सुरक्षित रहेगा और हमें फ्यूचर में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जो वीक होगा, जैसे किसी लोगों का मैथ्स वीक होता है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी का बाल विकास वीक है। ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठाइए, उसे 21 दिन तक इतना पढ़ लीजिए, 21 दिन के बाद आप कह सकें कि इस सब्जेक्ट का मैं मास्टर हो गया या यह सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। तो दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है, घर में ही रहना है। तो घर में हम क्या करें, किस तरीके से हमारी रणनीति बनाएं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज हम जो हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, क्षेत्रविधि चल रहा है, उसका अगला जो टॉपिक है, अगला जो अध्याय है, हम वो स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है। आपको पता है दोस्तों ये 21 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि 21 दिन में कोई सी भी नई आदत हमको पड़ सकती है और कोई सी भी जो बुरी आदत है वो हम छोड़ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुछ बुरी आदतों में, जैसे कोई सिगरेट पीता होगा, कोई गुटखा खाता होगा, ऐसी उनको बुरी आदत होगी, अगर वो 21 दिन तक इसका सेवन ना करे, 21 दिन के बाद उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन बुरी आदतों का यूज करने, इनका इस्तेमाल करने। और हो सकता है कि अगर आप चाहें कि कोई अच्छी आदत डेवलप करना चाहें तो 21 दिन में आपको एक अच्छी आदत भी डेवलप हो सकती है। जैसे कि आप कोई सी बुक पढ़ सकते हैं 21 दिन तक, आप चाहें तो डेली एक एक बुक पढ़े, उसका एक पेज भी पढ़े, तो 21 दिन में 21 पन्ने पढ़ के एक बुक खत्म कर सकते हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक जो आप बिजी शेड्यूल में रहते हो नहीं पढ़ पाए कभी, पर अब पढ़ सकते हैं, आपको टाइम मिला है, आप फैमिली के साथ रहें, फैमिली को टाइम दें और पढ़ाई भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सपना है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें वो भी हासिल करना है और इस कोरोना को भी मात देना है। तो हमको इस कोरोना को हराना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और घरों में रहना है। घर में रहकर आपकी तैयारी बेहतर हो, उसके लिए मैंने भी अपने घर में छोटा सा सेटअप एस्टेब्लिश कर लिया है। जैसा आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, एक टेम्प्रेरी मैंने सेटअप बनाया है, बोर्ड यहाँ से टूट भी रहा है, तो कुछ नहीं दोस्तों, हमको संघर्ष में रहते हुए भी आपकी पढ़ाई करवाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई का भी लॉस हो। कोरोना को मात तो देना ही है, पर हमको पढ़ते भी रहना है, क्योंकि ये सब जब ये शेड्यूल हो जाएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो हमको हमारी एग्जाम जो आने वाली है उनको भी देना है। तो कहीं ना कहीं आपको पैनिक नहीं होना है, हमको पढ़ाई करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे हैं, सुरक्षित हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सोच लोगे कि यार हम पढ़े ना, बिल्कुल घर पे बैठ जाए, तो आप बोर भी हो जाओगे, इसलिए आपको पढ़ना है यार, नई चीज डेवलप करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं, अब हम मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रविधि का अगला टॉपिक, क्षेत्रविधि, या जिसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। दोस्तों क्षेत्रमिति हमने बता दिया आपको क्या होता है, इस तरीके से क्या पढ़ना क्या है इसमें, आपको सब चीजें क्लियर है। मगर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो क्षेत्रमिति है ये क्षेत्रफल पर आधारित होती है, या आपको क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। जितनी भी आकृतियां होती है, चाहे वो 2D आकृति हो, चाहे वो 3D आकृति हो, आपको दोनों का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। 3D में हम आयतन की भी बात करेंगे, पर अभी हम जो फोकस रहेंगे वो क्षेत्रफल पर रहेंगे। तो हमने एक चतुर्भुज के बारे में बात कर ली, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की हमने बात करी चतुर्भुज की, इसके बाद हमने सर्कल की बात करी, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की। आज हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति में वो हम देखेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखने वाले हैं, इसका हम एरिया देखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे और क्वेश्चन करने का सॉल्व करेंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, आज हम त्रिभुज के ऊपर बात करने वाले हैं, आखिर त्रिभुज होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, तो हमको शुरू करना है दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुज में, मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताने का प्रयास करता हूं।
चलिए देखिए दोस्तों, ये होता है त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती है, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक है, तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। अगर हम ऐसे त्रिभुज की बात करें जिसकी जो लंबाई मतलब जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। उसको हम किस तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट करने का कोशिश करें, एरिया, ये जो क्षेत्रफल है, इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तो जब आपने ये वाला त्रिभुज पढ़ा होगा, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कोण जो होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 आधार इंटू लंब इंटू आधार। इसका फार्मूला आपने सुना होगा, ठीक है। आप सब जितने भी त्रिभुज हैं उनके फार्मूले आपको पता होगा कि 1/2 आधार इंटू लंब से हम निकाल सकते हैं। पर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों लंबाई अलग अलग हो, तो किस तरीके से हम निकालते हैं? जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हम हीरो को याद करते हैं। किसको याद करेंगे? हीरो को। और हीरो आएगा और वो हीरो एक फार्मूला देगा, हीरो एक फार्मूला देगा। वो फार्मूला क्या है वो हम समझते हैं। वो फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस के एस माइनस बी एस माइनस सी। इसे हम हीरो फार्मूला कहते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरो ने यह फार्मूला दिया है। ये फार्मूला क्या कहता है? ये एस क्या है, ठीक है, ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसको समझने का हमको प्रयास करना है। एबीसी तो दोस्तों इस त्रिभुज की लंबाइयां हैं, और जो एस है वो है अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप, ये अर्धपरिमाप क्या होता है? पहले तो परिमाप समझो, यहां से हम यहां गए और यहां आ गए, तो कब कितना आ सकते हैं? परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अर्धपरिमाप करने के लिए इसको दो से भाग दे देंगे, तो ये एस निकल जाएगा। एस क्या होता है? अर्धपरिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके उसमें दो से भाग दे देते हैं, तो अर्धपरिमाप आपको देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि अर्धपरिमाप क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझना है। तो ये जो एरिया का जो फार्मूला है, एरिया का जो फार्मूला है, आपने क्या देखा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहां पर एस क्या है? अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे हीरो फार्मूला कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं, हीरोस फार्मूला कहते हैं इसे, ठीक है। जब इसको आपको तब लगाना है जब तीनों भुजाओं की मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को दे रखे, तब हम इस टाइप के फार्मूले लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा, दो से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है त्रिभुज से, यहां से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो हम हीरो फार्मूला लगा के उसको निकाले। क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन तो हम कराएंगे, पर अभी आप लोग सिर्फ थ्योरी थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझते जाएं, फिर आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे शानदार, ठीक है। जब हमें ऐसा पता चल गया कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अभी आप लोग एक चीज और समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि एक मेरे पास ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं हैं उनकी लंबाई सेम है और तीसरे की अलग है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे सम विभव त्रिभुज कहते हैं, सम विभव त्रिभुज। क्या कहते हैं दोस्तों? सम विभव त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम सम विभव त्रिभुज कहते हैं। तो सम विभव त्रिभुज का हम किस तरीके से इसमें हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वो देखिए आप लोग। एरिया की हम बात करते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से पहले आपको इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप यहां से चले ए ए ए तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी, इसका परिमाप होगा, ठीक है।
अब क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, हम दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक तो हीरो फार्मूले से निकाल सकते हैं, तीनों की लंबाई हमको दे रखा। दूसरा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो समान होते हैं, ये दोनों एंगल समान होते हैं। बीच में से अगर हम इस पे लंब डालें तो ये दो अलग अलग भागों में इसको द्विभाजित कर देता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा था तो थीटा बाई टू, थीटा बाई टू आ जाए। तो हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसका जो फार्मूला एक बटे दो लंबाई या लंब इंटू आधार, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा हीरो फार्मूला लगा के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हीरो फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो परिमाप है अर्ध परिमाप एस कैसे निकालेंगे, 2a प्लस बी बाय टू, ये हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर। ठीक है, इसमें हम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर देखो आता क्या आता है, एस की जगह हम क्या रखेंगे 2a प्लस बी बाय टू। ठीक है, अब s माइनस ए अगर इसमें से a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से यहां पे देखिए किस साइड समझने की कोशिश करेगी, s माइनस ए निकालेंगे, s की जगह हम रखेंगे 2a प्लस b बाय टू, इसमें से माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस b माइनस ए बाय टू, क्या हो जाएगा a प्लस b बाय टू, यहां से क्या आ गया a a प्लस b बाय टू। अब देखो हमारे पास जो c है a, ये b है जो है वो क्या, वो भी a है और c क्या है यहां पर b, तो हम दूसरा भी हमारा क्या आ जाएगा s सॉरी a प्लस b बाय टू यहां से आ गया और इंटू a प्लस b बाय टू यहां से आ गया। अब जो तीसरा रहा b घटाना है हमको, 2a प्लस b बाय टू माइनस b घटाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं b इसमें से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से 2a प्लस बी माइनस टू बी अपॉन में टू, यहां से क्या हो जाएगा बी में से बी चला जाएगा तो 2b 2a माइनस बी अपॉन में टू, यहां से क्या हो जाएगा 2a 2a माइनस बी अपॉन टू, ये तो दो बार है फिर निकल के बाहर आ जाएगा एक बार a प्लस बी बाय टू बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, ये दोनों बचेगी तो एक दो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, या देखो आप क्या बन गया यहाँ पे 2a प्लस बी इन टू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ से 2a माइनस बी 2a माइनस बी। तो आप देख पा रहे हो ये a a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम सही से लिखें, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे। देखिए हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय फोर तो ये हो गया, अंदर अंडर कैसे बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से आपको फार्मूला आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, आप सिर्फ कुछ ये करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग ये इसको फार्मूले को याद भी नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये हीरो का फार्मूला याद करना है और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं वो आपको चीजों को देखना है। ठीक है, चलिए बिटा दे इसको। तो आपने सीखा किस तरीके से हम समद्विभाजक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरो के फार्मूले से, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम, अगर ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है थीटा दे रखा है तो उसको भी हम बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे ऐसा त्रिभुज, एक ऐसे त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं जिसकी तीनों लंबाई बराबर होंगी। एक ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों लंबाई, हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं एबीसी, जिसको तीनों लंबाई बराबर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इस त्रिभुज को क्या कहते हैं और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर दे रखी उसे हम क्या कहते हैं,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इसे इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसे समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3a, और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 3/2a, इस तरीके से। अगर दोस्तों यहां से हम एक लंब डालते हैं, इसको हम h नाम देते हैं, ये h कैसे हो जाएगा, उस h को हमको निकालना है, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना हम लोग, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल होता है, इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जब ये 60 का है, यहां पर 60 डिग्री, ये a है, ये a है, पूरा a है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो यहां पर अगर हम, ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, अगर cos 60 लगाते हैं, cos 60, cos 60 क्या होगा, आधार बटे, आधार बटे, ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, ए से कट जाएगा, यहां से 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, और हमको तो सॉरी एच निकालना है ना, यहां से देना, साइन 60 रखेंगे, साइन क्या होता है, एच अपॉन में ए, और ये कितना होता है, √3/60 क्या होगा, √3/2 × a, एच क्या आ गया हमारा, √3/2 × और हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, 1/2 हमने रख दिया, आधार कितना है, a, टोटल आधार कितना है a, और ऊंचाई कितनी आ गई, √3/2 a, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, √3/4 a², ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, रटने वाली बात नहीं है, आप 60 पता होना चाहिए, प्रत्येक जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, एस क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो, ये हमारा ए हो जाएगा, पेरीमीटर भी 3a, एस हो जाएगा, हाफ कर देंगे, अर्ध परिमाप आधा कर देंगे, और हमको ये ऊंचाई निकालना है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार तो ए है, टोटल आधार ए है, ऊंचाई h निकालना, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, साइन 60 लगाएंगे, और जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया ये कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, बाकी आपको जनरली इसका याद रखना है, या आप किस तरीके से याद कर सकते हो उसे, आप इसे हीरोज फार्मूले से निकाल सकते हो, आखिर में आपका रिजल्ट ये निकल के आएगा, ठीक है, आखिर में आपका ये रिजल्ट आने वाला है, इसको मिटा देते हैं, आपको याद स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो बोर्ड है पीछे, इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है, घर पर क्लास शुरू हो रही है, थोड़ी सी मेहनत भी लग रही है, बट ठीक है, हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स में ये वीडियो बन रहा है, बोर्ड की जुगाड़ करेंगे, आप लोग जानते हो कि इंडियन लोग जुगाड़ू होते हैं, तो मैंने कैसे करके बोर्ड की जुगाड़ करी है, ठीक है, किस तरीके से सब अरेंज कर रहा हूँ, जो वीडियो भी शूट हो रहा है, तो इस स्टैंड कैसा है ये मैं ही जानता हूँ, मगर एक जिद है कि आप तक मुझे प्रत्येक लेक्चर पहुँचाना है, जिससे आपकी पढ़ाई न रुके, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूरतमंद लोगों तक ये जरूर पहुँचाएं वीडियो, और मेरी ऑफलाइन क्लासेस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग मेहनत करें और देखें वीडियो, एक एक वीडियो देखें आप लोग, आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जहां जिद होती है ना दोस्तों, वहां सब अरेंजमेंट हो जाता है, चीजें तो सिर्फ एक माध्यम है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, अगर जिद है, अगर हमने ठान लिया है कि हमको पढ़ना है, और इन 21 दिनों में अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी तैयारी बेहतर करना है, तो इंसान की जिद के आगे, इंसान के हौसले के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगे हुए हैं किस तरीके से हमारे देश में जो कोरोना वायरस फैलने से रोका जाए, तो उनने भी जिद कर ली है कि वो इस संक्रमण को रोक के रहेंगे, और हम लोगों ने भी जिद कर ली है कि हम लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो आपको पढ़ते रहना है। चलिए
आगे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमको देखना है। एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, समविभव संभव त्रिभुज की बात करें, इसमें देखो ए ए और एक एच आ जाए। अब आपको सिर्फ एच दे दे, वो दे दे एच, तो हमने अभी एच निकाला, वो क्या होता है रूट थ्री बाय टू ए, और आपसे एरिया पूछ लिया जाए। क्या पूछा जाए? एरिया पूछा जाए, तो एरिया किस तरीके से आप लोग निकालो, ठीक है। आपको ए नहीं दे रखा है, एच दे रखा है, तो यहां से आप ए निकाल दोगे, ए क्या हो जाएगा टू एच अपॉन में रूट थ्री, ठीक है। और अभी अभी एरिया का मैंने फार्मूला बताया, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ए की जगह आप ये पुट कर दोगे रूट थ्री बाय फोर, क्या रख दोगे आप टू एच अपॉन में रूट थ्री और उसका स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा रूट थ्री बाय फोर, टू का स्क्वायर चार, एच स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री का थ्री हो जाएगा, ठीक है। फोर से फोर कट जाएगा, आप इधर आइए, अब ये रूट थ्री क्या बचा, रूट थ्री इंटू एच स्क्वायर अपॉन में थ्री। आप लोग सभी जानते हैं एरिया निकाल रहे हैं रूट थ्री इंटू एच स्क्वायर, हम थ्री को ऐसा लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि कट जाता है, हमको पता है दोनों का रूट के अंदर जो वैल्यू सेम होती है, मल्टीप्लाई करते हैं एक ही है, इससे काट देंगे, एरिया निकल के जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री। ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले, एच देखे आपको इस तरीके से, या तो चार ऑब्जेक्टिव में ही रहे तो आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से, एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। चलो निकाल लोगे ना, ये फार्मूला ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक बेटा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज बिल्कुल त्रिभुज में एक एक चीज हम समझेंगे, और उतना ही समझना है इतना संविदा जो हमारे शिक्षक एमपी टेट एग्जाम पुस्तक लेवल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें समझने होती हैं अगर आप एडवांस, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स का है, तो एडवांस में तो आप लोगों को पता ही है ना कितने सारे चीजें पूछ सकते हैं। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग अगर आपको एक त्रिभुज दे दें ऐसा, और वो भी कौन सा दे, संभव, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, संभव इक्विलेटरल त्रिभुज की हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें इसमें एक अंदर क्या बन जाए सर्कल बन जाए, इसमें क्या बन जाए सर्कल बन जाए, और इस सर्कल की रेडियस दे रखी है ए, सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है ए दे रखी है, सॉरी सर्कल की रेडियस हम आर मान लेते हैं, इसकी प्रत्येक लंबाई ए दे रखी है, ठीक है। आपको एक त्रिभुज दे दें, उस त्रिभुज का ए दे देना, संभव त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको इस सर्कल की रेडियस नहीं भी दे, पता भी ना हो, तो ए दे रखे, उसके अंदर एक वृत्त बनता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमारा आर दे दे देखिए ए दे रखा है, तो किस तरीके से हो जाएगा आपको फैक्ट पाई बाय 12, ठीक है, पाई बाय 12 ए स्क्वायर, ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, पाई बाय 12 ए स्क्वायर, पाई बाय 12 ए स्क्वायर, ठीक है। और जो आर होगा वो होगा यहां से ए बाय 2 रूट 3, आर होगा वो होगा ए बाय टू रूट थ्री, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, मैं चाहूँ तो समझा सकता हूँ उसको, मगर बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप याद रखो, ठीक है, समीकरण के हिसाब से आपको याद रख सकते हो कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो वृत्त का जो एरिया होगा वो पाई बाय 12 ए स्क्वायर होगा, उसकी आर कैसे निकाले, आर पूछ ले कभी ए अपॉन टू रूट थ्री, ए अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है, या आप इसको याद कर लें। एक अगर मतलब कि एक त्रिभुज है उसका
इसे अंतः व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः व्रत का क्षेत्र। और एक बाह्य व्रत हो जाए तो प्रत्येक कोण, मतलब ये बाह्य कोण बन जाए, त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, उसके बाहर एक व्रत बन जाए, कोण नहीं सॉरी व्रत बन जाए, तो उसका क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे? देख लिया आप लोगों ने दोनों? ठीक। चलिए देखिए किस तरीके से, अगर ये समबाहु त्रिभुज आए और एक ऐसा व्रत बने, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? प्रत्येक भुजा इसकी ए ए है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए व्रत का, बाह्य व्रत का, बाह्य एक्सटर्नल सर्कल का, बाह्य व्रत का क्षेत्रफल वो कैसे निकालना है आपको? अगर ए दे रखा हो, आर नहीं दे रखा हो, आर तो ये होगी, ठीक है, आर ये, तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आर होगा वो होगा ए अपॉन में 3, ठीक है, तो पाए ए स्क्वायर अपॉन में 3, और अंतर्व्रत होगा तो पाए बाय 12 ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 जाएगा, वहां पर 12, ठीक, देख लिया? बहुत बढ़िया, ये दो कंसेप्ट है थोड़े से, मतलब आपको याद करना है, इससे आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। बेटा जी कैसे निकालना है, डेरिवेशन है, आप चाहो कमेंट में करिए, अगर आप चाहो सर निकालना बताइए दोनों का, तो मैं निकालता अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको निकालना बता दूंगा, चाहो तो अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आप कमेंट करिए ना, अगर आपको चाहते हो कि इसको समझाया जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा डीप तरीके से। अब एक समकोण त्रिभुज के बारे में और आपको चीजों को सीख ली, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, इसे बोला जाता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है काम, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होता है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इन व्यक्ति थे जिनका नाम था पायथा गोरस, उन्होंने प्रमेय दिया है कि जो कण होता है, कण का अगर वर्ग करे तो वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर, इंग्लिश में से हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां से क्या निकल के आएगा, कण मतलब भाई आपको याद रखना है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बता दें ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, इसका जो क्षेत्रफल होता है होता है 1/2 आधार इंटू लंब, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बिटा देते हैं। तो ये हमने त्रिभुज के टाइप देखे, ये कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको बिटा दें, तो हमने क्या क्या सीखा क्षेत्रमिति में, हमने सिर्फ अभी 2D फिगर की बात करी, तो 2D फिगर में हमने देखा, हम 2D फिगर में हमने देखा 2D जो आकृतियां होती हैं, 2D आकृतियों में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा चतुर्भुज देखा, फिर हमने वृत्त देखा, फिर हमने त्रिभुज देखा, ठीक है। चतुर्भुज में हमने सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज देखा, सम चतुर्भुज देखा, ठीक है, वर्ग देखा, आयत देखा, सम चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज देखा,
व्रत में हमने क्या देखा, व्रत देखा, अर्ध व्रत समझा, अर्ध व्रत, फिर से हमने सेक्टर मतलब चाप खंड, ठीक है, और फिर हमने सेक्टर सेगमेंट भी देखा, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी व्रत में। फिर त्रिभुज में हमने कितने प्रकार के त्रिभुज देखे, सबसे पहले एक ऐसा त्रिभुज देखा जिसकी तीनों लंबाइयां अलग अलग हो, फिर हमने समद्विबाहु त्रिभुज देखा जिसकी दोनों लंबाई बराबर हो, फिर हमने समबाहु त्रिभुज देखा उसके अलग अलग प्रकार देखे, और आखिर में हमने समकोण त्रिभुज देखा। हमने रिविजन कर लिया कि 2D आकृतियों में इतने सारे हमने क्षेत्रफल देखे, और इसमें हमने व्रत में एक और देखा पहिया अगर उत्तर व्रत घूमता है तो कितने चक्कर लगाता है, ठीक है, ये सब चीजें भी हमने देखी। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया वाले शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जितनी भी हमने क्षेत्रमिति की जो थ्योरी है वो सब कुछ पढ़ ली है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन कल आए पूरा का पूरा एक अलग एक वीडियो हो जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करें। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, और इतने रिसोर्सों के मतलब हमारे पास संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और राय दें अपनी कि भाई इस मेहनत का कुछ तो परिणाम निकले, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए कि आप लोग वीडियो देखें, कुछ मुझसे चीज़ें सीखें, मैं आपसे सीखूँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।